नमस्कार, मैं आयुषी जोशी अचीव IAS द्वारा प्रस्तुत समसामयिकी विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रक्षा प्रदर्शनी संगठन 2020 डेफ एक्सपो क्या है ये और क्यों है ये चर्चा में, आइए बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम डेफ एक्सपो पहली बार 5 से 9 फरवरी 2020 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। यह डेफ एक्सपो का 11वां संस्करण है जो कि एक मेगा रक्षा प्रदर्शनी है। डेफ एक्सपो अपनी तरह का सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इवेंट का 10वां संस्करण 2018 में चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मुख्य विषय द इंडिया द अमेजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है और फोकस डिफेंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा। डेफ एक्सपो 2020 नई प्रौद्योगिकियों तकनीकी समाधानों को लाने का वादा करता है, जहां भारत और विदेश से रक्षा विनिर्माण कंपनी एक ही मंच पर रक्षा क्षेत्र में अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करती है। यह भारतीय रक्षा उद्योग को अपने निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। डिफेंस एक्सपो 2020 भारत के एयरोस्पेस रक्षा और सुरक्षा हितों के व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन करेगा। 5वां भारत रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन आयोजन के मौके पर आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन मुख्य रूप से सुखोई 30 MKI विमान, MI-17 हेलीकॉप्टर, MiG-29K विमान, INS विक्रमादित्य और T-90 टैंकों जैसे प्रमुख रूसी मूल के उपकरणों, प्लेटफॉर्मों के जीवन चक्र समर्थन और रखरखाव से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। आपको बता दें कि डेफ एक्सपो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1991 में भारतीय रक्षा मंत्रालय से उत्पादित यंत्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय डिफेंस पवेलियन प्रगति मैदान दिल्ली में है। रक्षा प्रदर्शनी संगठन 1981 में स्थापित भारत संस्कार का एक स्वायत्त संगठन है। संगठन की स्थापना भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एजेंसी डेफ एक्सपो और विदेशी प्रदर्शनियों में भारत भागीदारी जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों को आयोजन के लिए जिम्मेदार है। धन्यवाद।